अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कुकिंग विद आपा चैनल। आज हम बनाएंगे अंडे वाला बर्गर और पिज़्ज़ा। आइए देखते हैं ये कैसे तैयार किया जाता है। सॉस पैन में हमने ऑयल लिया है 2 से 3 टेबलस्पून, और उसमें हमने जो चिकन कबाब अंडा लगाकर फ्राई करने के लिए रख दिए हैं। ये चिकन कबाब हमने घर में तैयार किए हैं। जब ये एक तरफ से फ्राई हो गए हैं तो हमने इसको पलट दिया है। इसी तरह तमाम कबाब जो हम पलट देंगे। कबाब दोनों साइड से गोल्डन हो चुके हैं, अब इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। सॉस पैन में थोड़ा सा ऑयल डालते हैं, अब इसमें अंडे फ्राई करते हैं। अब इसमें बर्गर रख देते हैं। अब इसको पलट देते हैं। इसे निकाल लेंगे। अब इसमें कुकिंग ऑयल डालते हैं 1 से 2 टेबलस्पून, और इसमें शवानमा वाली ब्रेड जो है वो दोनों साइड से जो है पकाएंगे। ब्रेड तैयार हो चुकी है। अब इसे निकाल लेते हैं। बर्गर और पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमारे पास ये तमाम सामान जो है वो तैयार हो चुका है। चिकन कबाब हमने फ्राई करके रख लिए हैं, बर्गर और शवारमा ब्रेड भी हमने अच्छे से सॉस पैन में गरम करके रख लिए हैं, चिकन का सालन हमने तैयार कर लिया है। चिकन का सालन तैयार करने के लिए हमने चिकन बोनलेस ली थी, और इसमें जो है चिकन टिक्का मसाला डालकर जो है इसे पकाया गया है। अंडे हमने फ्राई करके रख लिए हैं, चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ हमने क्रश कर लिए है। प्याज भी हमने काट लिए हैं, टमाटर भी हमने काट लिए हैं, और खीरे भी काट लिए हैं। पिज़्ज़े में लगाने के लिए हमें पिज़्ज़ा सॉस चाहिए, और बर्गर में लगाने के लिए हमें चिल्ली गार्लिक सॉस और मायोनीज चाहिए। पहले पिज़्ज़ा तैयार कर लेते हैं। इसके लिए एक शवारमा ब्रेड लेते हैं, और इस पर पिज़्ज़ा सॉस लगाते हैं। अब मोज़रेला चीज़ लगाएंगे।
इस पर चिकन का सालन लगाते हैं। इस पर प्याज और टमाटर रखेंगे और चेडर चीज़ डाल देंगे। एक मिनट के लिए अब इसको ओवन में रखेंगे। हमारा पिज़्ज़ा जो है वो तैयार हो गया है। अब हम अंडे वाला बर्गर बनाते हैं। बर्गर के एक हिस्से पर हम मायोनीज़ लगाएंगे। हिस्से पर हम केचप लगाएंगे। अब इसे अच्छे से फैला लेंगे। अब बर्गर में कबाब रखेंगे और इसे भी अच्छे से फैला लेंगे। अब इस पर अंडा रखेंगे। इस पर सैलेड वाला सामान रखेंगे, खीरे, प्याज और टमाटर। अब बर्गर की दूसरी साइड इस पर रख देंगे। हमारा बर्गर तैयार हो चुका है। इसी तरह तमाम बर्गर जो है वो तैयार कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बर्गर भी तैयार हो चुके हैं और पिज़्ज़ा भी। देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है इनकी। सात से आठ मिनट लगे हैं, हमारे बर्गर भी तैयार हो चुके हैं और पिज़्ज़े भी। उम्मीद है आपको यह रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके।